हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल कंपाइल विद आकाश। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ा व्हाइल, हमने पढ़ा फॉर। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डू व्हाइल के बारे में, विच बेसिकली नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। ये प्रीवियस जो लूप थे वो सारे एंट्री कंट्रोल लूप थे, क्योंकि जो कंडीशन चेक होती थी वो एट द टाइम ऑफ एंट्री चेक होती थी, जब हम लूप में एंटर कर रहे थे। बट आप यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे, अब हम डू व्हाइल का सिंटैक्स क्या बोलता है। पहले डू करते हैं हम, पहले हम काम को करेंगे, तो हमने काम स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में चेक किया हमने कंडीशन की वो सेटिस्फाई है या नहीं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है डू। डू में क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट आपकी होंगी, कंडीशन चाहे आपकी वन टाइम फॉल्स हो या कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, फिर भी हम क्या करेंगे, आपका जो स्टेटमेंट जितना भी उसके अंदर मैटर करेंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप लूप में फिर से एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्या होंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका बेसिक सिंटैक्स यही होता है, डू लिखते हैं हम, ब्रैकेट ओन करेंगे हम, फिर देन हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो आपको यूज़ करने हैं वो हम लिखेंगे, देन हम कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, देन व्हाइल, देन कंडीशन। और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, हम यहाँ पे टर्मिनेटर लगाते हैं। व्हाइल में हम ऐसा नहीं कर रहे थे, फॉर में ऐसा नहीं कर रहे थे, बट हम डू व्हाइल में हम कंडीशन को टर्मिनेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमें हम प्रिंट करते हैं, किसी भी ऐसी कंडीशन को लेते हैं जो सेटिस्फाई ना करे, फिर भी हमारा लूप रन करे, या हमारे लूप के अंदर स्टेटमेंट है वो रन करे। तो लेते हैं हम एग्जांपल, हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंट i इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, लेट्स से वी कैन टेक। उसके बाद हमने ले लिया डू, हमारा स्टार्ट हो गया डू। फिर हमने एक स्टेटमेंट ले ली सी आउट, हमने लिख दिया इसमें फॉर एग्जांपल, मैंने अपने चैनल का नाम ले लिया कंपाइल विद आकाश, देन आप इसको एंडल भी लगा सकते हैं, क्लियर। फिर मैंने इसको आई को इंक्रीमेंट कर दिया, देन मैंने क्लोज कर दिया, देन मैंने व्हाइल लगाया। व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन दे दी कि आई जो है हमारा वो इक्वल होना चाहिए 1 के, आई हमारा किसके बराबर होना चाहिए 1 के, देन हमने टर्मिनेटर लगा दिया। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन में हम देखते हैं इसमें हमने क्या किया है, आई की वैल्यू क्या दी हुई है 2। अब हमने पहले जैसे इसमें पढ़ा हुआ है कि हम डू मतलब काम हम करेंगे, हमने स्टार्ट कर दिया, हम एंट्री कर गए, एंट्री करने में क्या देखा हमने, कंपाइल विद आकाश लिखा है। तो जो आपका ड्राई रन में आउटपुट आएगा वो आएगा कंपाइल विद आकाश, एंडल है नो प्रॉब्लम। आई का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 से 3, आई की वैल्यू क्या हो गई यार 3 हो गई। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन क्या है कि आई 1 के बराबर है नहीं, लेकिन आपने देखा 1 के बराबर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं थी, फिर भी हमारे अंदर जो इनर लूप था वो 1 टाइम एग्जीक्यूट किया। तो यही होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, कि जो कंट्रोल हो रहा है वो कब हो रहा है, एग्जिट के टाइम पे हो रहा है। एंट्री तो हमने कर ली, चाहे कंडीशन हमारी फॉल्स हो, फिर भी हमने एंट्री कर ली, तो 1 टाइम। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि व्हाइल में अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है, व्हाइल में अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तभी हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डू व्हाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट 1 टाइम आप उसके अंदर एग्जीक्यूट एंट्री कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा व्हाइल और डू व्हाइल के। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। तो हमने इस वीडियो में अभी क्या देखा, हमने पढ़ा डू व्हाइल के बारे में। डू व्हाइल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, जिसमें हमने बेसिक सिंटैक्स उसका पढ़ा। हमने ये समझा कि व्हाइल हमारा कैसा लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि हम जब कंडीशन दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, व्हाइल लूप कंडीशन बाद में दे रहे हैं, डू के बाद दे रहे हैं, मतलब पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद दे रहे हैं। फिर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें मैंने अपने चैनल का नाम या कोई भी स्ट्रिंग हमने प्रिंट कराई, और हमने ये देखा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर भी हमारा आउटपुट 1 टाइम आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों के कंपैरिजन के बारे में, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल। थैंक यू।